I cycled from Belgium to Congo. Welcome back to Libreville. My experience is to travel. I love traveling. ये है अपनी मामा. Nice to meet you. Pleasure. और पहला पर्सन पूरे इस गिबोन कंट्री का जिन्होंने मुझे यार एक पॉजिटिव होप दिया था. India is on the list. Yeah. More than 50 plus international country ये ट्रैवल कर चुकी हैं. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू लिब्रेविल यानी कैपिटल एंड कहीं ना कहीं लार्जेस्ट सिटी ऑफ गेबोन कंट्री. जर्नी ऑल द वे फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो डोलीसी था जो आपने देखा वहाँ से लेके गेबोन का बॉर्डर क्रॉस करना बाकुम्बा फिर मोआंडा फिर फ्रांसविल एंड फ्रांसविल से ट्रेन की जर्नी करते हुए ऑल द वे इस कैपिटल में जो कि है लिब्रेविल. लिब्रेविल का मतलब फ्री टाउन. वहाँ पर मैं आया हूँ और ये रहा नमस्ते होटल प्लस रेस्टोरेंट इंडियन के लिए. अगर आपको यहाँ पे स्टे करना और खाना वगैरह इंडियन खाने को अगर आपको टेस्ट करना तो ज़रूर आप आइए. आज यहाँ से मैं मूव होने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे होस्टिंग मिली हुई थी और 3 डेज के लिए. और यहाँ पे रुक के लास्ट के 3 दिन में मैंने मोस्टली वीज़ा का काम किया यानी वीज़ा की इंक्वायरी अपनी अपकमिंग कंट्रीज़ को ट्रैवल को लेकर यार जैसे इक्विटल गिनी एंड कैमरून. बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वीज़ा से रिलेटेड. बट लेट्स सी कि कुछ ना कुछ होगा जरूर. सो यू गाइस ये रहा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ लिब्रेविल सिटी जो मैं अपने मामा के साथ निकला हूँ और हम जा रहे हैं एक्चुअली थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने घर के खाने के लिए क्योंकि आई थिंक होप मोस्ट प्रॉब्ली जितने दिन भी मैं यहाँ रहने वाला हूँ मैं इन्हीं के घर पे रहूँगा. अभी तक दो चीज़ मुझे नज़र आई इस लिब्रेविल शहर में. पहला कि ट्रैफिक ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है. आप देखिए दूर दूर तक आज जो कि वीकेंड है सैटरडे का दिन उस वजह से भी मोस्टली आप देखोगे जहाँ तक मैं ट्रैवल किया हूँ कि वीकेंड पे ट्रैफिक कम हो जाता है संडे को तो बिल्कुल नहीं रहता बट यहाँ पे अभी आज क्योंकि आई थिंक ये मेन रोड है जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है. दूसरी चीज़ कि बाजू में आप देखोगे पूरा शहर हरा भरा यानी ग्रीन है चारों तरफ जहाँ भी आप नज़र दौड़ाइए. और रोड पे जैसे अपने यहाँ नर्सरी हम लोग नहीं करते सिविल लाइंस वगैरह एरिया में तो नर्सरी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है. मीन्स लोग काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं जिसकी वजह से कि पूरा का पूरा शहर आपको हरा भरा नज़र आएगा ग्रीन. और ये देखिए डिस्प्ले लगा हुआ है हर जगह. ये रहे थोड़े से लोकल मार्केट जैसे होते हैं वेंडर सेलर्स सेल कर रहे होते हैं स्ट्रीट पे तो वो भी आपको यहाँ दिखेगा. बाकी सिटी के अंदर जो अभी तक मैंने देखा कि रोड अच्छी है मेन इस लिब्रेविल शहर में ऐसा नहीं है कि रोड टूटा फूटा हुआ है. और देखिए इस तरह के सुपर मार्केट यानी जिसको मार्चे यहाँ पे बोला जाता है फ्रेंच में वो आपको दिखेगा. होटल काफ़ी ज़्यादा है रेस्टोरेंट है आपको पब क्लब डिस्क ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी लिब्रेविल शहर में क्योंकि धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है. लास्ट के कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप करना स्टार्ट किया बट इसके पहले उतना चार्म नहीं था इस सिटी में खासकर पूरे के पूरे गेबोन कंट्री की बात की जाए. बट धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ये लाइम लाइन में आ रहा है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है ओवरऑल एक्सपेक्ट्स की नज़र से अगर आप देखो ये कंट्री बट रहने के हिसाब से जो लिविंग स्टाइल है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस सेंट्रल अफ्रीका का वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन अफ्रीका. वेस्टर्नाइज काफ़ी ज़्यादा है ये शहर अगर आप देखोगे क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रेंच का इन्फ्लुएंस रहा है तो आपको उस तरह के क्विजीन खाने में इटालियन हो गया मैक्सिकन हो गया ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि सी शोर रहा है यार. और ये देखिए रंग बिरंगी दुकानें यहाँ की सिटी आप देखोगे दोनों तरफ से प्लान्ड है यानी टू वे भी आपको मिलेगा एक तरफ सिर्फ जाने के लिए एक तरफ आने के लिए तो यानी ट्रैफिक जो रिसोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का वो काफी मैनेज अच्छे तरीके से यहाँ पे किया गया है. Donc si tu as l'occasion d'acheter même les pains de Atanga ou mais tu ne vas pas trouver ça parce qu'il y a pas d'Atanga. ये है यहाँ के local टैक्सी या लोकल मिनी बस आप बोल सकते हो. लोकल अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यूज़ करके
विद इन सिटी में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, वही जो हर जगह है और उसमें लिखा भी रहेगा टैक्सी करके। और जो फेयर जो मैंने नोटिस किया कि विद इन सिटी में आप कहीं भी जा रहे हो 3 to 5 किलोमीटर के रेडियस में मोस्ट प्रॉब्ली वो आपसे 1000 सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक चार्ज करेंगे। बट अगर थोड़ा सा आप दूर हो तो आप एक बार उनसे निगोशिएट कर लीजिए और आपको वो हॉर्न देंगे अगर आपको अंदर वो बैठाएंगे, अगर नहीं बैठाएंगे तो आगे मूव कर जाएंगे। तो यार ये रहा गैबो फ्रूट्स करके, एक तरह से चेन आउटलेट है जो कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पूरे इस गैबोन कंट्री के लिब्रेवेल शहर में, जहाँ पे मैं थोड़ी बहुत परचेसिंग करने आया हूँ अपने खाने के लिए। कॉर्न, सो इट्स ऑलरेडी बॉइल्ड। यानी इस शॉप में यार हर चीज़ आपको आई थिंक मिल जाएगी, अदरक हो, लहसुन हो, प्याज हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आलू, टमाटर, प्याज, बैगन, शिमला मिर्च, पपीता, एप्पल, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें हैं। टमाटर का भाव जो है वो है 1500 फ्रैंक पर केजी। बैगन है देखिए 800 फ्रैंक पर केजी, 1200 फ्रैंक पर केजी। यहाँ पे देखिए महंगा, जबकि मैं फ्रांसविल में 300 में मैंने एकदम बड़ा सा पपीता लिया हुआ था। तो यार शॉपिंग अपनी हो गई इस गैबो फ्रूट से। यू से एनीथिंग? No, nothing. तो ये हम वापस अपने मामा के घर में आ चुके हैं, मैं आपको भी मिलाता हूँ। Oh, मामा इज हियर। How are you? I'm fine. You're the cameraman here. Thanks. Nice to meet you. Pleasure. ये है अपना घर जहाँ पे मैं फर्स्ट डे जब से मैं गैबोन आया हूँ तब से मैं मेरा प्योर किचन एरिया जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। So, how's your health now, mama? Yeah, better. Better? Yeah. And you're taking medicine? No. Oh, no. some lazy. Some rest. So guys, ये हैं अपनी मामा जिन्होंने गैबोन कंट्री के कैपिटल लिब्रेविल में मुझे होस्ट किया हुआ था और पहला पर्सन पूरे इस गैबोन कंट्री का जिन्होंने मुझे यार एक पॉजिटिव होप दिया था कि अंश आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो और गैबोन में आपका अपना एक परिवार है, आप ये सोच के आइएगा। मैं काफ़ी, आप सोचो होपलेस था, आपने फ्रांसविल वाले वीडियो में देखा होगा कि मैं काफ़ी स्ट्रगल किया हूँ गैबोन कंट्री में इंटर करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको ये बतानी थी कि ये काउच सर्फिंग पे भी एक्टिव हैं। पहली ऐसी लेडी हैं जिनको मैंने देखा कि अफ्रीकन होते हुए मोर देन 30+ अफ्रीकन कंट्री को ट्रैवल किया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट। सेकंड, मोर देन 50+ इंटरनेशनल कंट्री ये ट्रैवल कर चुकी हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। और उसका एग्जांपल ये सारे मैग्नेट्स इनके फ्रिज पे आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे। तो अफ्रीकन लोग अब इस गैबोन कंट्री में, जो इस गैबोनीज फैमिली से मुझे एक लोकल ट्रू हॉस्पिटैलिटी देखने को मिली वो मामा से मिली, शायद मैं जिसे लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू सो मच। दिस इज योर्स? ओके, इट्स अ केक। दिस इज बनाना केक। शी डिड बनाना केक। गाइस, बनाना केक एंड दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम मामा एंड केमी, राइट? कैमी। इट्स अ बनाना। इट्स अ हनी। ओके, काफी टेस्टी है। My experience is to travel. I love traveling. Mm-hmm. I love people. Yeah. Where who lives there only, mm-hmm. And it is so glad to so how to say great to receive Camille from Belgium, Ange from India. Juan from Singapore, Linda from Ecuador, and so on and so on. And I used to travel twice each month, so I have seen so many people, and I know that in every country you have people who are bad, mm-hmm. and these also who are so kind. So you have to mix with this and to find your way, your own way. And your way is to be kind, yeah. Always. Humbleness. And it is why I improve and I do my best for you to travel, to be happy when you are traveling, because it is a good experience to know people, that people
as the same in your country, in the other country, and the world is only one. Hey mama, क्या मैं आपके घर पे कुक कर सकता हूँ? क्योंकि मैं इतना हेजिटेट हो रहा था इनसे पूछने में. बाद में उन्होंने बोला कि अंश कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप इंडियन हो, शायद मोस्ट प्रॉब्ली आप वेजिटेरियन होगे, तो आपको जो भी कुक करना है आप आके हमारे घर पे कुक कर सकते हो, रह सकते हो, रिलैक्स होकर इन्जॉय कर सकते हो. और शायद कहीं ना कहीं 8 दिन में इनके घर में रहा हूँ, इसके बाद मैं शिफ्ट हुआ अपने दूसरे जगह फ्रेंड के पास. Been traveling for 8 months. 8 months. I cycled from Belgium to Congo. Oh. Meeting people and discovering cultures. Ah, that's so sweet. It's what it's all about, especially Africa. Mm-hmm. People are so welcoming. It's about the people. You have been to any other continent? North America, and okay. I come from Europe. India is on the list. Yeah, as well. That is what I wanted to tell you. Now you have one family from India. That is my house. Yes. So sure. Please feel free. And once you are going to enter, so you can count on me. There is one family always waiting for you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks. But you know, this is the best part of traveling. Once you meet, once you travel, so you're going to meet a number of people. तो ये थोड़े बहुत यहाँ के यार कॉमर्शलाइज प्लेसेस हैं, यानी मार्केट एरिया भी आप इसको बोल सकते हो. लिब्रेवेल का अंगोइनसे ओकाला एक एरिया है. बेसिकली आप लोकल टिपिकल प्लेसेस आप बोल सकते हो, यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो, परचेसिंग वगैरह करनी है, सब्जी हो गया, लोकल मार्केट्स हो गए, कॉमर्शियल प्लेसेस. ये देखिए हार्डवेयर के दुकान, बड़ा आप लिब्रेवेल का सुपरमार्केट बोल सकते हो. लोकल अगर आपको परचेसिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, तो भी आप यहाँ पे आइए. जो लिब्रेवेल का मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन रहा कि थोड़ा सा ये कंट्री सेंट्रल अफ्रीका में अगर आप और ट्रेवल करोगे, जैसे DRC हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, अंगोला का भी पार्ट आप ले सकते हो, और कहीं ना कहीं फिर ये आता है अपना गेबोन. तो गेबोन काफ़ी ज़्यादा सेफ है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्टिक लिहाज से. अगर आप देखोगे, आप ट्रैवल करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ध्यान रखिएगा कि आपका पासपोर्ट हमेशा आपके पास होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स. फोटो वीडियो अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान दे के रखना है कि आप कहाँ पे फोटोज ले रहे हो, क्योंकि ऑथराइजेशन आपके पास होना चाहिए, वरना लोकल पुलिस या कमांडोज आर्मीज जो होती हैं वो आपसे इंक्वायरी कर सकती है. क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि जो प्रेसिडेंशियल कैबिनेट का मूवमेंट है वो हर दिन होता है, खासकर जिस एरिया में मैं अभी रह रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा जब भी आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करेंगे तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें. बाकी ये रहा इनका गेबोन का मेन पेट्रोल स्टेशन, पेट्रो गेबोन, जो कि गवर्नमेंट है. बाकी और भी टोटल के फिलिंग स्टेशन यहाँ पे हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि प्राइस पेट्रोल एंड डीजल का उतना कॉस्टली नहीं है. रीजन क्योंकि गेबोन के पास खुद का उनका ऑयल, कच्चा तेल आप बोलते हो, वो इनके पास अवेलेबल है. तेरा यार US एम्बेसी एंड मोरक्को एम्बेसी दोनों साथ में. मोरक्को एम्बेसी ऑलवेज लुक लाइक्स वेरी नाइस. ये देखिए यार यूनिक चीज, ये पूरा का पूरा घर है और घर में प्लांट किया जा रहा है ऊपर पेड़. वेरी नाइस, वन ऑफ द यूनिक थिंग इन इंटायर गेबोन. ओ माई गॉड, अब आप सोचो पूरे के पूरे घर में ये पेड़ प्लांट कर रहे हैं यार, वेरी नाइस. ये एक तरह से कोस्ट रोड भी है, यानी इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा इनका सी पोर्ट, यानी पोर्ट एरिया, सी शोर आप बोल सकते हो, और उसी के बाजू से लगा हुआ ये रोड, जो कि एक तरह से डिप्लोमेट, जितने डिप्लोमेसी हैं वो सारे लोग रेजिडेंशियल एरिया या प्रीमियम एरिया, पॉश एरिया, इस एरिया को आप बोल सकते हो, जहाँ पे लोग मोस्टली रहते हैं. लिब्रेवेल थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा, हाइजीन, क्लीन भी है. शोर एरिया की वजह से थोड़े से बहुत आपको होटल यहाँ पे नज़र आएंगे. स्टे के लिए अगर आप देखोगे लिब्रेवेल में, तो आपको कई ढेर सारे होटल, रेडिसन हर जगह है, यहाँ भी है, रेडिसन आपको मिल जाएगा. सर्विस अपार्टमेंट है, Airbnb पे भी आपको मिल जाएगा, booking.com से आप वहाँ पे बुक कर सकते हो, तो स्टे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव शहर है, $30 से लेके आप मान के चलिए कि 100, 200, 500, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे. खाने के लिए यार फूड में 2 इंडियन रेस्टोरेंट, जिसमें से पहला एक नमस्ते, दूसरा ला शालीमार रेस्टोरेंट जो है वो पहला इंडियन रेस्टोरेंट है पूरे इस गेबोन कंट्री का. इसके अलावा लोकल रेस्टोरेंट्स, लोकल चेन आउटलेट, KFC, इस तरह के जो फूड चेन आउटलेट हैं वो आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जाके खा सकते हो. मोस्टली हर जगह नॉन वेजिटेरियन ही आपको मिलेगा, बट वेज के भी ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, आप फ्रूट्स वगैरह, जूस, ये सारी चीज़ें, फ्रूट सलाद, ये सब अगर आप खाना चाहो तो आपको मिल जाएगा. फिर से ये देखिए, ये रहा मेन रोड एरिया, काफ़ी अच्छा है ये सब.